पाकिस्तान से आई एक और सीमा हैदर, प्यार की तलाश में की सरहद पार। क्या पाकिस्तान में नहीं मिलता इनको दूल्हा? क्या भारत में हो गई है लड़कियों की कमी? आज हम यहाँ इंडिया में खड़े हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं गेट से एंटर हुई हूँ और सबको मुबारक हो, मुबारक हो। सब बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अपने प्यार को पूरा करने की चाहत में फिर से एक और सीमा हैदर भारत आ पहुंची है। फिर से एक सीमा हैदर ने पाकिस्तान छोड़ भारत में अपना घर बसाने की सोची है। लेकिन इस बार सीमा हैदर नेपाल के रास्ते से नहीं, सीधा भारत सरकार की परमिशन लेकर शादी करने आई है। हम बात कर रहे हैं जावेरिया खानम नाम की इस लड़की की, जो कराची की रहने वाली है। 5 साल पहले उसे कोलकाता के समीर खान से ऐसा प्यार हुआ कि वो उससे शादी करने के सपने देखने लगी। 2 बार पहले भी वीजा अप्लाई किया मगर कैंसिल हो गया। 3री बार किस्मत ने साथ दिया तो वो सीधे भारत सरकार के 45 दिन का वीजा लेकर अटारी बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान आ गई। जावेरिया खानम का भी वही मकसद है जो कुछ महीनों पहले सीमा हैदर का था। सोशल मीडिया पर प्यार हुआ, फिर ना देश दिखा ना सरहद। सोशल मीडिया पर इन दिनों प्यार की चिड़िया ऐसे उड़ रही है कि जवां दिलों का खुद पर काबू ही नहीं रहा। पाकिस्तान में लड़कियों को लड़के नहीं मिल रहे हैं तो भारत में लड़कों को लड़कियां। प्यार की तलाश में आज के युवा सरहदों को भूलते जा रहे हैं, अपने प्यार के लिए भारत पाकिस्तान के रिश्तों को भूलते जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में चाहे कितनी भी खटास पनप रही हो, लेकिन दोनों देशों के कुछ प्रेमी जोड़ों ने सरहदों को पार करके इसमें प्यार का रंग भरने की कोशिश तो जरूर की है, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने की। तो लगे हाथ भारत के राजस्थान की अंजू ने भी बॉर्डर लांघकर अपने प्यार के लिए पाकिस्तान में धमाकेदार एंट्री मारी है। सीमा और अंजू की लव स्टोरी महीनों तक दोनों देशों की सुर्खियां बनी रही। दोनों की लव स्टोरीज में रोमांच, एक्शन, ड्रामा, फिल्मी एंगल सब देखने को मिला। दोनों प्रेम कहानियों की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि भारत के वाघा बॉर्डर से फिर से ढोल और गाजे बाजे के साथ एक और पाकिस्तानी लड़की देश की सरहदों में दाखिल हो गई। लेकिन इस लव स्टोरी में सबसे अच्छी बात ये रही कि पाकिस्तान से आई ये लड़की दोनों देशों के कानून से इजाजत लेकर सरहद पार करने शादी रचाने आई है। इनसे मिलिए, ये है जावेरिया खानम जो आज बहुत खुश हैं। बहुत अनएक्सपेक्टेड था और मैं खास तौर पे इंडियन गवर्नमेंट और मकबूल अहमद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तरफ से बहुत मदद मिली हमारी, तो आज हम यहाँ इंडिया में खड़े हैं। हिंदुस्तान का दूल्हा समीर खान और पाकिस्तान की दुल्हन जावेरिया खानम दोनों भारत में जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। पिछले 5 सालों से अपने भारतीय मंगेतर से शादी का इंतजार कर रही कराची की जावेरिया मंगलवार को अमृतसर के वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंची। उनके मंगेतर समीर खान ने अपने पिता के साथ उनका स्वागत किया और फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया। जावेरिया के भारत की धरती पर कदम रखते ही प्रेमी जोड़े ने भगवान का शुक्रिया अदा किया, साथ ही भारत सरकार और मीडिया को धन्यवाद दिया कि उनके सहयोग से ही जावेरिया भारत पहुँच पाई है। जावेरिया ने बताया कि 5 साल बाद उनका प्यार परवान चढ़ा है। 2 बार वीजा रद्द होने के बाद 3री बार वीजा मिलने पर वो काफी खुश हैं। परिवार से जब वो यहाँ के लिए चली तो परिवार में खुशी और मायूसी दोनों महसूस हो रही थी। हम लोग के रिश्ते को तो 5 साल हो गए, बात पक्की जैसे बड़ों में हो गई थी, बट कोशिशें कर रहे थे हम लोग सब के वीजा लग जाए, बट हो नहीं पा रहा था, बट हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन नहीं आ रहा। अभी 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 वेलकम होना है अभी। वहीं जावेरिया के मंगेतर और कोलकाता के रहने वाले समीर ने भी दोनों देशों को धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी परमिशन के बाद ही वे अपनी मंगेतर से मिल पाए हैं। समीर ने बताया कि शादी के बाद वे 6 जनवरी 2024 को वेडिंग पार्टी रख रहे हैं। इस मौके पर कोलकाता से समीर के साथ आए उनके पिता कमाल खान, चाचा इज़राइल खान मौजूद थे। आपको मेरे शक्ल से दिख रहा होगा मुझे कैसा लग रहा है। मैं खुश हूँ और शौक हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा इंडियन गवर्नमेंट का, मकबूल जी का, जिन्होंने प्रोसेस में हेल्प की है। दोनों कंट्री ने हम लोग को मिलाने में बहुत हेल्प की है, और जब नियत प्योर होती है तो कुछ बॉर्डर कोई चीज बीच में नहीं आती, तो वही हुआ है और आप एग्जाम्पल देख रहे हो सामने। जावेरिया ने बताया कि पहले भी शादी की तारीख तय हो गई थी,
लेकिन जब उन्होंने भारत आने के लिए वीजा अप्लाई किया तो कैंसिल हो गया। इस पर परिवार वाले काफी निराश हो गए थे। उन्होंने दोबारा से वीजा अप्लाई किया, दूसरी बार भी जावेरिया का वीजा कैंसिल हो गया। इसके बाद पंजाब के कादिया के एक सोशल वर्कर मकबूल अहमद कादिया के प्रयासों से उन्हें वीजा मिल पाया है, जिसके बाद उनका भारत आने का रास्ता आसान हुआ। फिलहाल जावेरिया को 45 दिनों के लिए ही वीजा मिला है। मैं ये इसी चीज को लेके मैंने भी यही कहना है कि ये वीजा की खासतौर पर कपल्स के लिए वो प्रोसेस अलग से होना चाहिए, अपने प्रोसेस वगैरह अलग, सारे सिक्योरिटी वो सब फॉलो करके जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो सब। तो लंबा टाइम ये टाइम करना चाहिए? टाइम इतना लंबा तो खैर वो हो गया, कोई मसला नहीं है। भारत आने के बाद जावेरिया खानम ने अमृतसर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए उड़ान भरी। उनके भारत आने से दोनों परिवारों में खुशी की लहर है। प्रेमी जोड़े ने बताया कि कुछ दिनों में जावेरिया और समीर की शादी भी हो जाएगी। इसके बाद वो भारत सरकार से लंबे समय के लिए वीजा विस्तार के लिए आवेदन करेगी। वाकई अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, और ये बात सच कर दिखाई है समीर खान और जावेरिया खानम के प्यार ने। वेल दोस्तों, आज के हमारे सेगमेंट में बस इतना ही। ऐसे ही मनोरंजक खबरों के लिए आप जरूर देखते रहिएगा श्रेष्ठ भारत।